क्रांति के भी मेम्बरान और हमारे अपने शहीद भुट्टो के मेम्बरान, मैं आपसे माजरत लूंगा क्योंकि अभी मैं उर्दू में बात करूंगा, वो तो असांजे पांजे जुबान ना आए, मगर इन जुबान के लिए मुझी ज्यादा कम्फर्ट आए। सो जैसे सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे भी पहले कहा चुका है कि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं, शहीद भुट्टो के कारकुन आपके कारकुन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और वाइस वर्सा, आपके कारकुन हमारे कारकुन से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहे, जो मेरे ऊपर बहुत अच्छा इम्प्रेशन हो रहा है, वो है कि अवामी वर्कर्स पार्टी में काफ़ी डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, और ना सिर्फ डिसिप्लिन, ख़वातीन भी काफ़ी शामिल है। ख़वातीन इनकलाब ख़वातीन के बगैर नहीं हो सकता है और नहीं होएगा। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर हम माहौलियाती चीज़ें के ऊपर बात करना चाहते हैं तो द इश्यू ऑफ जेंडर, चाहे वो फेमिनिज्म की इश्यू हो या वो ट्रांसजेंडर की इश्यू हो या वो थोड़ा सा नरम वर्जन ऑफ मर्दाना हो, वो लाजमी है इनकलाब में, जद्दोजहद में। सो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हम जो हमारे सिंध है, नाम तो दरिया से लेती है। और क्यों? हम समझते हैं कि जो डेल्टा है, मिलाप है, सिंधु दरिया और समंदर के मिलाप है, हम तो समझते हैं कि ये एक छोटा सा हिस्सा है जो कि ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, मगर नहीं, ये गलत है, ये झूठ है, ये रियासत का एक झूठ है, ये अंग्रेजी दौर से एक झूठ है। पूरे सिंध सिंधु दरिया के मिलाप है, पूरे सूबाई सिंध सिंधु दरिया के डेल्टा है, इनकी शाखें घोटकी से निकलती हैं, कुदरती शाखें घोटकी से निकलती है, इनकी कुदरती शाखें सखर से निकलती है, इनकी कुदरती शाखें लाकाना से निकलते हैं, हैदराबाद से निकलते हैं, ठट्टा से निकलते हैं। और सिंध में अगर उन्होंने डैम्स वगैरह नहीं बनाए थे तो सिंध में इतना ज्यादा पानी है कि पंजाब से ज्यादा भी पानी है, इतना है हमारे पास पानी है। और सिंध में तकरीबन 30% जंगलात भी होते थे, अभी तो सिर्फ 2% रह गए। और हमारे रेगिस्तान से भी पानी निकलते थे, करुण झार के पहाड़ से, किरथर के पहाड़ से और अडोर के पहाड़ से। और ये जो रेगिस्तान थे, ये जो पहाड़ थे हैं, ये जो दरिया है, वो सब एक दूसरे से बात भी करते थे। हम तो ये कुदरती चीजें समझते हैं कि ये डेड है, ये मर गए हैं, ये बात नहीं कर सकते, मगर ये जिंदा है। हमारे दरियाए सिंध जिंदा है, हमारे किरथर जबल जिंदा है, हमारे थरपारकर रेगिस्तान जिंदा है, और वो एक दूसरे के साथ बात भी करते हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वो एक दूसरे के साथ लड़ते भी हैं कभी कभी। और थैंक यू। मैं एक मिसाल दूंगा जो हमारे दरियाए सिंध है, मैं उसको सिंधु माता समझता हूँ। मैं क्यों उसको सिंधु माता समझता हूँ, मैं क्यों उसको माँ बोलता हूँ? क्योंकि जो चाय हम पी रहे हैं, चाहे वो जो 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 दूध हम पी रहे, जो पानी हम पी रहे, जो खाना हम खा रहे, जो रोटी हम खाते हैं, वो सब दरियाए सिंध से की दौलत है, ये इनकी दौलत है। तो मैं दरियाए सिंध माँ समझता हूँ। तो सिंधु माता और किरथर जबल, अगर आप सुपर हाईवे से जाएंगे यहाँ से कराची तक या कराची से यहाँ तक, तो एक पॉइंट पर आप पहुंचेंगे जहां सिंधु दरिया और किरथर जबल मिलते हैं, और ऐसे लगे कि वो आशिक जैसे गले मिल रहे, वो आशिक है, दोनों के आशिक है। और जो सिंधु दरिया की रेत है, सफेद रेत है, वो आप सांगर तक भी मिल जाएंगे, वो आप कराची तक भी मिल जाएंगे, वो हमारे अक्षरोत्तर तक आप मिल जाएंगे। ये इनकी खेल है, ये इनके आपस में खेल है। और जो इन इलाकों के अवाम है, जो इन इलाकों के इंडिजिनस असलाओं जो लोग हैं, वो भी एक दूसरे के साथ खेलते हैं, इनके भी एक मुकद्दस रिश्ता है।
चाहे वो मुहाने और बलोच कबीले हैं, चाहे वो थरपारकर के मुकद्दस कबीले हैं और दरियाई सिंध के मुकद्दस कबीले हैं, हम सब एक खानदान है, हम सब एक है, हम सब मुत्तहिद हैं। और जो सिंधु दरिया के मखलूकात, हम भी सिंधु दरिया के मखलूकात हैं। हम तो जुबान वाले मखलूकात हैं, मगर काफी है जो बेजुबान है, और वो भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे दोस्त है, वो भी हमारे कॉमरेड भी है। चाहे वो सिंध जा लुद्रा है, जो सिंध का लुद्रो है, वो मुहाने उनको पालते थे, या चाहे वो हमारे प्यारे बुलहन है, जो बुलहन है वो सिंधु दरिया के डॉल्फिन है, अंधी बुलहन है। और आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे फोर फादर्स एंड फोर मदर्स थे, वो भी उनके दोस्त थे, वो भी उनके साथ वक्त गुजरते थे, वो भी उनके साथ मछली के शिकार करते थे। तो ये एक मुकद्दस रिश्ता है, और ना सिर्फ मुकद्दस रिश्ता है, ये एक सियासी रिश्ता भी है। इनके भी हकूक हैं, और इनके लिए भी हकूक हमें लड़नी चाहिए। मगर जो आजकल के सिंध है, मैं नहीं कहना चाहता हूं कि वो तबाह हुआ है। हम इस माहौल को बचा सकते हैं, हम अपने सिंध को बचा सकते हैं, हम अपने दरियाए सिंध को बचा सकते हैं। और खुशी की बात है कि हमारे दरियाए सिंध की दूसरे इलाकों से हमारे कॉमरेड भी आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे कॉमरेड भी आए हैं, और हमारे आपस में कोऑपरेशन से इंशाअल्लाह ताला हम अपने दरियाए सिंध को बचाएंगे। मगर जो आजकल के फैक्ट्स है, जो आज कल के the truth of today is कि हमारे दरिया जो पाकिस्तानी रियासत है, उन्होंने इन रिश्ताओं को तबाह किया, खराब कर दिया, तोड़ दिया, और हमारे दरिया सिंध में पानी नहीं है, हमारे पहाड़ वो काट रहे हैं, और हमारे करुणझार कीर्थर पहाड़ वो बड़े तकलीफ में है, बड़ी परेशानी में है, और जो वहां के इंडिजिनस लोग हैं वो भी बड़े परेशानी में हैं। तो मैं आपके साथ हूं, मैं आप सब के साथ हूं इस जद्दोजहद में, इस इंकलाब में, हमारे ना सिर्फ सिंध बचाने के लिए, मगर पूरे हमारे माहौलियात बचाने के लिए। आपकी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेहरबानी, तमाम घनी मेहरबानी। अनवर प्लीज।